आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ। हेलो टू एवरीवन क्वेश्चन द क्वेश्चन आपको एक मोलर कंडक्टेंस गिवन है 0.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ़ MgCl2 के लिए एंड दैट इज 194.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड uh, आपको एक सेल गिवन है विद इलेक्ट्रोड्स हैविंग 1.50 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया एंड दोज इलेक्ट्रोड्स आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर बाय अ डिस्टेंस ऑफ 0.50 सेंटीमीटर तो आपको कैलकुलेट करना है कि कितना करंट जो है वो हमारा फ्लो करेगा व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड जो है वो आपका क्या है फाइव वोल्ट और आपको एस निकालना है करंट तो करंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए तो करंट आप निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला दैट वी इज इक्वल्स टू आई आर सो आपके पास वोल्ट गिवन है करंट आपको निकालना है आपको रेजिस्टेंस पता होना चाहिए रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको एक फॉर्मुला यूज करना पड़ेगा दैट इज इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट कापा इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस जो होता है वो हमारा होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट जो होता है वो हमारी वैल्यू होती है एल बाय ए यहाँ पर जो एल है वो हमारा लेंथ है बिटवीन द सेपरेशन लेंथ बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स एंड ए जो है वो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है रेजिस्टेंस आपको निकालना है और उसके लिए अगेन हमारे पास एक अननोन क्वांटिटी आ गई है दैट इज कापा और आप इस कापा को कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द मोलर मोलर कंडक्टेंस वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में गिवन है सो so, कंडक्टेंस की अगर मैं की बात करती हूँ तो उसका जो फॉर्मुला होता है दैट इज लैमडा एम लैमडा एम जो होता है वो हम मोलर कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखते हैं और वो हमारा इक्वल होता है कापा दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंटू थाउजेंड डिवाइडेड बाय

इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री और इसकी जो यूनिट होती है दैट इज साइमन सेंटीमीटर इनवर्स तो हमारे पास कापा आ गया है अब हम यहां से इस फॉर्मुले को यूज करते हुए रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं तो आप पहले यहां पर कापा की वैल्यू पुट कर दीजिए दैट इज नाइन पॉइंट सेवन टू फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री साइमन सेंटीमीटर इनवर्स विच विल बी इक्वल टू वन बाय आर इन लेंथ आपको गिवन है जीरो पॉइंट फाइव जीरो सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय एरिया प्रोसेक्शन आपको गिवन है वन पॉइंट फाइव जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर जब आप इसको सॉल्व करेंगे फॉर रेजिस्टेंस तो आप देखेंगे कि जो आपकी वैल्यू आएगी दैट विल कम आउट टू बी that will come out to बी 34.276 ohm तो so, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी रेजिस्टेंस की अगर आपको यूनिट में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारा एक सेंटीमीटर से एक सेंटीमीटर जो वो कैंसिल आउट हो जाएगा अब आप देखेंगे कि आपका सेंटीमीटर से ये वाला सेंटीमीटर इनवर्स भी जो होगा वो कैंसल आउट हो जाएगा तो आप लेफ्ट विद साइमन साइमन जो होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओम इनवर्स से और आप देख सकते हैं कि जब आप एक्सप्रेशन को रिअरेंज करेंगे तो आपके पास जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू वन अपॉन वैल्यू ऑफ कापा दैट इज 1, 1 9.725 10 टू द पावर -3 ओम इनवर्स जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका ओम इनवर्स जो होगा वो ऊपर चला जाएगा तो आप यू विल बी लेफ्ट विद ओम सो दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस और आ गया है अब आपको निकालना है करंट तो करंट आप यूजिंग दिस फॉर्मुला निकाल सकते हैं आप देखेंगे कि जो तो आपका करंट होगा दैट विल बी वी बाय आर वोल्ट आपको गिवन है फाइव रेजिस्टेंस अभी अभी हमने निकाला थर्टी फोर पॉइंट टू सेवन सिक्स जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास जो करंट होगा वो आ जाएगा जीरो पॉइंट सो थैंक यू सो मच क्लास सिक्स ट्वेल्व से लेके नीट आई आई टी जेई मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट ऐप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर